तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो टीएम लग गया है, जैसा ये देख रहे हैं टीएम लगा लिया है और ऊपर भाई पहुंच गया है। कंक्रीटिंग करने से पहले भी भाई देखो बूम पंप पूरा हवा में रहता है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रोक लगते हैं स्ट्रोक का बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है, जिससे टायर वायर फूटने का डर रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, डेक स्लैब की कॉन्क्रीट चालू हो गई है और ये अपना है ना पांचवा स्पान है। रफ रहेगी ना तो आपका इसके ऊपर जो आपका बिटुमिनस जो वर्क रहेगा वो आपका बहुत प्यारी तरीके से पकड़ता है। लोगों में से एक चीज क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो सरिये खड़े हैं ये क्यों प्रोवाइड करेगा, ये इधर की साइड भी क्यूरिंग बंड बनने के बाद है ना इसके अंदर स्लैब में अच्छे से जब पानी भर जाता ना तभी व्यवस्था होता है। टीएम का काम और बचा हुआ है, तो ये आपके सामने दिख रहे ना टीएम पे टीएम आते चले जा रहे हैं। टाइम हो गया लगभग अभी इस टाइम पे, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, होप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों मेरा नाम है राघव, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो भाई फाइनली आज रात को ड्यूटी लग गई भाई माचना नदी की स्लैब की कंक्रीट करने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे कंक्रीट चालू है, अभी भी चालू है, टाइम हो रहा सुबह के 5 बजे। रात के अंधेरे में भाई वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मजा नहीं आता है भाई वीडियो बनाने का। तो अभी थोड़ा सा उजाला हुआ 5 बजे के टाइम पे, तो अपने 4 स्पान इस टाइम पे निबट चुके हैं, मतलब अपने 5 स्पान है टोटल, उसमें से 4 कंप्लीट हो गए। आखिरी स्पान की अपने को कंक्रीट करनी है, तो ये यहाँ से लेके ये आखिरी स्पान है, यहीं इसको कंप्लीट करना है, 30 मीटर का स्पान है। तो अभी इसकी कंक्रीट करने वाले हैं और साथ साथ में क्या होता है, अभी जैसे 4th स्पान का जब कंक्रीट कर रहे थे तो अपना बूम पंप वहाँ लगा हुआ था, वहीं से कवर कर रहा था पूरा ये जो आप देख रहे हैं ना ऐसे। तो अभी इसको भी जब तक थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कॉन्ट्रेक्टर चेंज हो रहा है, एक एक स्पान दूसरे कॉन्ट्रेक्टर के, थोड़ा टाइम लेके जब तक अपन इसको बूम पंप को शिफ्ट कर लेते हैं उसके बाद चालू करते हैं कंक्रीट। तो देखो मिलर आ चुके हैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए, फटाफट काम आगे बढ़ाया जाए। तो बने रहे इस वीडियो में, चलो भाई शुरू करते हैं आज का एक नया वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, अभी अपने 4 स्पान कम्प्लीट होने के बाद जो अपनी टीम थी ना, जो कॉन्ट्रेक्टर की टीम थी, हर कॉन्ट्रेक्टर का अलग अलग स्पान था, तो उसका काम निपट गया। तो वो लोग अभी जा रहे हैं और दूसरा कॉन्ट्रेक्टर था जिसका काम अभी चालू होने वाला, वो लोग अब आ रहे हैं। तो उससे पहले अपनी सिस्टमेटिक व्यवस्था बना लेते हैं, ज़्यादा नहीं 15 मिनट पहले ही वो लोग गए हैं और दूसरी टीम ये देखो पहुंच भी गई है, और थोड़ा सा टाइम लेंगे बूम पंप को शिफ्ट करके फिर एकदम से काम फिर रनिंग पकड़ लेते हैं। टाइम हो रहा है 5 बजे का, मेरे हिसाब से निपट जाना चाहिए 9 से 10 बजे तक। तो अपन ने आज चालू किया था कल सुबह 6 बजे, तो अभी कंटिन्यू चल रहा है सुबह के 5 बजे, मतलब 23 घंटे भाई कंटिन्यू हो चुके हमें कॉन्क्रीट करते करते। ये जो टाइम है ना दोस्तों सुबह के 5 बजे का, इस टाइम पे देखो नींद का टाइम रहता है क्योंकि सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे बहुत झपकी आती है। तो हल्का हल्का मुझे भी महसूस हो रहा है क्योंकि रात के 9 बजे से लगे हुए हैं। अभी वर्कर भी देखो धीरे धीरे निकलते हुए लेबर कैंप की तरफ से और धीरे धीरे चालू करेंगे, क्योंकि भाई उनको भी पता था, हम लोगों ने बता दिया था 5 बजे के आसपास आपका नंबर आ जाएगा, तो वो भी लोग पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, किसी की नींद खुल रही किसी की नहीं खुल रही। साथ में वो बूम पंप को अभी असेंबल करके उसकी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, एक लोकेशन फिक्स कर देते हैं वहाँ से पूरे 30 मीटर का स्पान अपना कवर हो जाता है, क्योंकि हाइट ज़्यादा है ना दोस्तों। तो दोस्तों अभी आए थोड़े से नीचे और लाइटें वाइटें देखो अभी भी जल रही हैं, उजाला जरूर हो गया, 5:15 बजे का टाइम हो गया और बूम पंप अभी जहाँ पे देख लो आप शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक जो लोकेशन रहेगी उसी को फिक्स कर देंगे, उसी लोकेशन पर ये चलता रहेगा, क्योंकि हर लोकेशन हर स्पान के लिए हमें चेंज करना पड़ा क्योंकि लेंथ उतनी, क्योंकि 30 मीटर तो ऊपर ही शिफ्ट करना है, प्लस सेंटर में लगा लो तो दोनों साइड हो जाता है। तो अभी इसको शिफ्ट कर लेते हैं, एक्सेवेटर की जरूरत पड़ती है कभी पैड वैड लगाने के, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करने के लिए। और बाकी टीएम भाई एक पहुँच गया अभी इस टाइम पर, दूसरा भी फिर तो कंटिन्यू आ जाते हैं, अपने 5-6 टीएम चल रहे हैं इस टाइम। तो यहाँ पर देखिए आप क्रेन्स वगैरह भी भाई अभी तैयार हो गई हैं, थोड़ी देर बाद उनका भी काम चालू हो जाएगा, क्योंकि दोनों गटर भाई लोड करके रखे ट्रेलर पे, वो सामने आप देख रहे हो 2 ट्रेलरों पे गटर लोड रखे हुए, तो उनको भी भाई लगभग 8 बजे के बाद उनको भी लॉन्च करना चालू करेंगे। और साथ साथ ये आप देख रहे हैं पहला स्पान, दूसरा स्पान, तीसरा स्पान और ये 4th स्पान, यहाँ 4 स्पानों की कॉन्क्रीट हो चुकी है अपनी। तो ये लास्ट वाला जो स्पान है जहाँ भी बूम पंप हम लोग उसको लगा रहे हैं, उस जगह की बस लास्ट स्पान की कंक्रीट बची हुई है। 23 घंटे भाई कंक्रीट करते करते हो चुके हैं हमें, अभी लगभग है ना इसमें 5 से 6 घंटे इसमें भी लगेंगे, तो लगभग मेरे हिसाब से 10-11 के बजे आसपास बजेगा। तो ये आ गए भाई टीएम, और टीएम में जब कंक्रीट आती है ना तो भाई आपको पता ही है इसका हांडा हमेशा घूमता रहना चाहिए, तो वही है एक मीडियम स्पीड में घूमता रहेगा जिससे कंक्रीट सेट नहीं होती। तो अभी आए हुए इसको लगभग है ना 15 मिनट ही हुए, तो कोई दिक्कत बात नहीं, जब तक अपना बूम पंप लग जाएगा उसको आगे की कथा चालू करते हैं।
तो उस्ताद देखो कैसी फूर्ती में फटाफट इसको पैड वैड लगा के इसको कंप्लीट करके अब इसका बूम खोलना चालू करेंगे। और देखो टीएम अपना आ गया दूसरे नंबर का भी, क्योंकि भाई प्लांट कंटिन्यू चल रहा, दूसरे प्लांट की जरूरत नहीं पड़ी भाई, अपना इसी प्लांट से काम चल गया भाई। हमारे दोस्त हैं, कहाँ से हो भैया? बनारस के हो? ये बाबा हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब है ना, उनके गाँव के हैं, बनारस से, काशी विश्वनाथ। तो अभी भाई देखो इसको असेंबल करना चालू किया, इसको खोलना चालू किया, खोलने में लगभग 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट में खुल जाएगा और तुरंत ही कंक्रीट चालू हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपना ने कोई क्लीनिंग वगैरह करना नहीं पड़ता, एक जगह से छोटी मोटी जगह पर अगर शिफ्ट करना रहता है तो। बाकी टीएम अपना दूसरा भी पहुँच गया और एक ये पहला नंबर खड़ा है, चालू करते भाई, मैं भी चलता हूँ ऊपर और अब इसकी कंक्रीटिंग चालू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो टीएम लग गया है, जैसा ये देख रहे हैं टीएम लगा लिया है और ऊपर भाई पहुँच गया है पंप, धीरे 2 मिनट लग रहा है, सीधे लोकेशन पे पहुँच जाएगा, उसके बाद चालू करते हैं। और यहाँ पे भाई देखो हमारे भाई गण खड़े हैं, ये हमारे ड्राइवर साहब खड़े हैं, टीएम ला ला के पूरी रात हो गई। उस्ताद कितने ट्रिप लगा दी आपने? कितने ट्रिप लगा दिए? 23 घंटे हो गए, 24 बजे चल रहा है, 6 बजे चालू हुआ था ना कल? 6 बजे चालू हुआ था ना कल? 6 बजे हुआ था, तो मैं पता ना 3 टीएम तो मैं खाली किए थे कल सुबह। 23 घंटे कंक्रीट चलने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं हमारे शंकर उस्ताद को भाई बराबर ऐसे ही खड़े हैं, हम लोग तो नीचे बैठ भी जाते, शंकर उस्ताद देखो ऊपर मुंह करके खड़े हैं। एक तो वैसे एक्स्ट्रा ऑपरेटर है पर भाई सीनियर ऑपरेटर चाहिए, वो असिस्टेंट ऑपरेटर है। तो अभी भाई सीधे चलते ऊपर और चालू करते हैं भाई कंक्रीटिंग यहां से। कंक्रीटिंग करने से पहले भी भाई देखो बूम पंप पूरा हवा में रहता है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रोक लगते हैं स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है, जिससे टायर वायर फूटने का डर रहता है, इसलिए पूरा इसके पैड पे खड़ा है, पूरा हवा में झूल रहा है। बाकी अब कोई लोड नहीं है, अभी ये चलता रहेगा दबा के। तो अभी बूम पंप हो गया रेडी, मार दिया उसने हॉर्न, अभी चलते सीधे लोकेशन पे। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ना, ब्रिज के ऊपर जाने के लिए भी शॉर्टकट्स लेने पड़ रहे हैं, कैसे कैसे रिटर्निंग वॉल के ऊपर चढ़ चढ़ के जाना पड़ेगा, ऐसे कर करके किनारे पे से। बहुत ज़्यादा हाइट है भाई, घूम फिर के जाओ ना, बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, डेक स्लैब की कंक्रीट चालू हो गई है और ये अपना है ना पांचवा स्पान है, जो लास्ट स्पान रह गया ना वही वाला है। वो टाइम हो गया लगभग 5:30 बजे का, दिन निकल गया है पूरा तरीके से बढ़िया। और ये देखिए काम अभी कितना सही से चल रहा है और लेबर ही बड़ी वेल मेंटेन लग रही भाई, गम बूट लगा के जैकेट वैकेट पहन के बड़ी खूबसूरत लगती है, ये बात तो है हम मानेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे ना, ये इस हिसाब से चल रही कंक्रीट, अपना बूम पंप चलता रहता साथ साथ में भाई, इसमें नीडल वाइब्रेटर चलाने पड़ते अच्छे से, वाइब्रेटर चलाने के बाद इसको फैलाया जाता है, ऊपर से रंदा मार दिया जाता है, यही है और कुछ बहुत बड़ी तोप नहीं भाई ये डेक स्लैब की कंक्रीट। तो भाई वो वाला टीएम खाली हो गया, दूसरा टीएम लगेगा और साथ साथ में देखो अभी सुबह का टाइम हो गया, नज़ारा देखो हल्का हल्का सनराइज़ होने लग गया है, सब लोग चाय वाय पी रहे हैं, देखो ये हमारे इंजीनियर साहब यहाँ पे चाय की चुस्कियाँ लगाते हुए, सुबह सुबह का टाइम हो गया ना भाई, 5:45 का टाइम हो गया है। और ये भाई शंकर रास्ता जहाँ से इशारा करते हुए, इनसे मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है, इनके हिसाब से ही माल डल रहा है अपना। तो गाइस अभी टाइम हो गया लगभग 7 बजे का, सूरज निकल चुका है और अपने अभी सहभागी जो अपने दोस्त लोग थे, जैसा कैलाश आ गया है, सामने तिवारी जी भी आ गए, जो स्ट्रक्चर का तो काम जो देखने वाले बंदे हैं ना, वो कल डे की ड्यूटी करने के बाद अभी वो पहुंच चुके हैं। तो अभी जो अपनी साइट थी उनके हवाले कर दी, अभी वो आगे का काम देखेंगे। तो अब अपन निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि बहुत सारा काम देख लिया अपन ने, अभी शाम के टाइम पर आएंगे जब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद का वीडियो आपको अपलोड करूँगा। बाकी का जो लगभग है ना एक 20 मीटर के आसपास थोड़ा स्पान बचा, 10 मीटर कंक्रीट हो गई, तो वो अभी चलता रहेगा, लगभग 10 बजे के आसपास तक ये निपट जाएगा कथा यहाँ की। और
जैसा कि देख रहे हैं, मैं आगे मैं आपको दिखाता हूँ एक नई चीज़, टेक्सचरिंग भी करी इसके ऊपर, क्योंकि बीसी की सरफेस पर अच्छे से चिपक जाएगा। और इस पर क्यूरिंग बंड बनाएंगे तो वो भी चालू किए, क्यूरिंग बंड भी बनाना, तो मैं आगे का किस्सा आपको आगे दिखाता हूँ। कल की दोस्तों जो वीडियो डाली उसमें एक कमेंट बहुत प्यारा लग दिया था एक भाई ने, बोल रहे भाई आपने दो प्लांट रेडी कर लिए, आपने दो मिलर लगा, दो लोडर लगा लिए, आपने दो वाटर टैंकर लगा, सब कुछ डबल डबल एडिशनल ले लिया, पर आपके पास बूम पंप एक ही है। तो भाई ऐसा नहीं है भाई, बूम पंप बहुत कारगर चीज़ है, स्विंग स्टेटर कंपनी का है वो। और साथ साथ में क्या होता है, जो टीएम अगर ये मान लो इनके कभी ये ब्रेक डाउन भी होता है तो है ना, आपके पास हाइड्रा से जो छोटा सा एक ट्रॉली टाइप की रहती वो वाला ऑप्शन है, उसमें आधा एम क्यूब के आसपास माल आप खाली कर सकते हैं। तो उस हिसाब से देखो यहाँ पे भी जो साइड पे भी वाइब्रेटर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, वाइब्रेटर बंद हो जाते तो डबल डबल, एक ये है दूसरा पीछे वो एडिशनल अलग से रखा हुआ है। तो अभी चलते हैं भाई आगे की तरफ। भाई ये आप देख रहे हैं ना, ये जो हमारा स्पान नंबर 3 और स्पान नंबर 2 का कॉन्क्रीट है, उसके ऊपर इस टाइप की टेक्सचरिंग करी जाती है, जो पीक्यूसी के ऊपर नहीं करते, तो वो जो टेक्सचर का जो रहता है ना उसको हम यहाँ पे भी लेके सेम अप्लाई किया है। इससे क्या इसकी सरफेस थोड़ा सा रफ रहेगी ना, तो आपका इसके ऊपर जो आपका बिटुमिनस जो वर्क रहेगा वो आपका बहुत प्यारी तरीके से पकड़ता है। तो उसी सिलसिले में ये प्रोवाइड किया जाता है। और आपको देखो भाई सामने नज़ारा देखो कितना खूबसूरत लग रहा भाई। ये देखो तिवारी जी की ड्यूटी अभी चालू हुई है, इनके हवाले हम साइट सुपुर्द करके जा रहे हैं अब घर की तरफ। अभी थोड़ा बहुत देखो आपको पूरा ब्रिज मैंने दिखा दिया, थोड़ा बहुत बचा है 19-20 काम, वो तो चलता रहेगा, बस इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि अभी टेक्सचरिंग ये आगे है, अभी चल रही है। तो ये चल रहा भाई माचना नदी का फाइनल स्पान का कॉन्क्रीट। अभी दोस्तों जैसे कि स्लैब की कंक्रीट हो गई ना, तो आप लोगों को में से एक चीज़ क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो सरिये खड़े हैं ये क्यों प्रोवाइड करेगा, ये इधर की साइड भी किए गए हैं सेम, इधर की साइड भी डेढ़ एक मीटर के दोनों साइड में, ये क्यों प्रोवाइड किए गए। तो भाई ये इसलिए प्रोवाइड किए गए हैं जब यहाँ पे कंक्रीट करी जाए, ये क्रश बैरियर की, ये सामने आप क्रश बैरियर देख रहे हैं ना, तो उसके जब कंक्रीट करी जाए तो उसमें सपोर्ट चाहिए रहता है, सपोर्ट के लिए भाई यहाँ पे एक चैनल लगा दी जाए जिससे उसका सपोर्ट हो जाएगा, तभी भाई उसकी कंक्रीट हो पाती, नहीं तो वो फैल जाता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी बहुत। तो इसलिए भाई वहाँ पे ये दोनों साइड प्रोवाइड, क्योंकि जब किसी कंक्रीट तो इधर भी सपोर्ट लग जाएंगे, उधर की करेंगे तो उधर वाला सपोर्ट लग जाएगा। और अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, अभी ये कल शाम को हुआ था ना ये प्रोशन, तो इसमें क्यूरिंग बंड, क्योंकि स्लैब के ऊपर बनते हैं भाई क्यूरिंग बंड, तो क्यूरिंग बंड बनाने का यहाँ पे आगे काम चालू कर दिया है। यहाँ पे देखो पहले स्पान के यहाँ पे बन भी गए हैं, अभी टाइम हो रहा लगभग 7:00 का, ये रात को बनाए थे, रात को बनाने के बाद अभी इसमें पानी भरना भी चालू किया, ये देखिए आप, क्योंकि क्यूरिंग बंड बनने के बाद है ना इसके अंदर स्लैब में अच्छे से जब पानी भर जाता ना तभी व्यवस्था बनती सही साट। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनल चरण का काम चालू है, थोड़ा सा बचा हुआ है, लगभग आधा स्पान ये भी हो गया है और लगभग है ना 7-8 TM का काम और बचा हुआ है। तो ये आप आपके सामने देख रहे हैं ना, TM पे TM आते चले जा रहे हैं, टाइम हो गया लगभग अभी इस टाइम पे 7:30 और ये देखिए ये आ गई गाड़ियाँ, दूसरे भी TM आते जा रहे हैं। और अभी थोड़े हलचल कैंप यहाँ पे माचना ब्रिज पे हमारी होने चालू हो गई है क्रेन्स को लेकर, क्योंकि भाई अभी क्रेन्स ऑपरेट होना चालू करेंगे, क्योंकि 8:00 उनका टाइम हो जाता है चालू करने का, क्योंकि दिक्कत क्या है भाई, ये सामने आप देख रहे हैं दो गटर भाई ट्रेलर पे लोड रखे हुए हैं, तो इनको लॉन्चिंग होगी अभी, तो वो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, 7:30 पूरी रात का जगरात्रा हो गया। तो अभी चलते हैं, मैं तो जा रहा हूँ भाई अपने घर की तरफ, थोड़ा सा अभी थोड़ा नींद ले ली जाए थोड़ी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता भाई यार, ये मैंने देखा है डे नाइट करके काम, तो कल दिन में भी भाई अपनी साइड पे रहे और शाम के टाइम पे अचानक प्रोग्राम बन गया कि माचना नदी की कंक्रीट करवाओ, तो कंक्रीट भी हो गई है। और ये आपका देख रहे हैं ना भाई ब्रिज, अभी इसमें पूरा सा पूरा कंक्रीट से लोडेड हो गया है। तो दोस्तों होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये मिक्स टाइप का है, कुछ रात को भी काम चला कुछ दिन में भी चला, तो इस हिसाब से काम चलता रहा। तो आपको अभी जो फाइनल स्टेज की कंक्रीट है वो तो कंप्लीट हो जाएगी 10-11 की, तो मैं 12-1 के आसपास फिर से साइड पे आऊँगा, 2-4 थोड़ा नींद ले ली जाए तो फ्रेश वगैरह हो जाए, नहा धो के रेडी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी ब्लॉग भाई यहीं पे एंड कर रहे हैं ये वाला, आगे का कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तो आज अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।